चले ओके। सो वेलकम नाजिया, कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू अलॉट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट टिप्सी के लिए। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे टिप्सी की जो जर्नी रही है आपके लिए, कैसे शुरुआत हुआ, हाउ डिड इट केम फॉर यू एंड व्हाट वाज योर रिस्पांस, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो कि ओके सो आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ रॉ एंड रिजिड रोल। टिप्सी स्टार्टेड ऑफ एट द, जब मुझे ये पिक्चर मिली तो ये इसका कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट बस अभी तैयारी में ही था। दीपक सर के साथ मेरी एक पिक्चर आ रही थी टॉम डिक एंड हैरी, जिसके लिए हमने शूटिंग शुरू कर दी थी। वो खैर फिल्म बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस रुक गई, लेकिन सर वाज वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ टिप्सी एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। और मेरे 10-15 दिन के स्केड्यूल के दौरान जिस तरीके से हमारा जो बॉन्ड हो गया था मेरा सर के साथ, एंड यू नो जस्ट द वे ही ट्रीट्स हिज एक्टर्स और आपको कितना कंफर्टेबल करते हैं, आई मीन इट्स फिनोमिनल टू वर्क विद दीपक तिजोरी एज अ डायरेक्टर। तो वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को, उन्होंने मेरे को बोला कि भैया मेरी एक और पिक्चर है, उसमें 5 लड़कियां हैं, उसमें से एक रोल मैं आपको दे रहा हूँ। एंड आई ऑब्वियसली सेड हाँ बिल्कुल ऑफकोर्स सर दे दीजिए। मुझे तभी तो पता ही नहीं था कि मेरा क्या रोल है या क्या क्या कैरेक्टर है। ना ही मैंने कभी स्क्रिप्ट मांगी सर से, सर स्क्रिप्ट देते भी नहीं अंटिल यू कम टू वर्कशॉप्स। तो आई ट्रस्ट हिम इंटायरली एज अ फिल्म मेकर। ही हैज़ आई मीन बहुत सारी ऐसी जगहों में, जब मैं टॉम डिक एंड हैरी कर रही थी वहाँ पे भी जो मेरा रोल था और मेरी एक डांस परफॉर्मेंस थी, मैं आई यूज़ टू बी वेरी नर्वस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो, क्योंकि आई जस्ट ऑल्सो बिगन इन टू द होल वर्ल्ड ऑफ यू नो मूवीज एंड ग्लिट्स एंड ग्लैमर। लेकिन सर हमेशा ना, ही इज़ अ वेरी कूल पर्सन, वेरी रिलैक्स पर्सन। आई यूज़ टू बी ये ठीक है, ये शॉट ठीक रहा, सर वन मोर दे दूँ क्या, यू नो, एंड ही यूज़ टू जस्ट बी लाइक सिंग रिलैक्स, यू नो, इफ़ यू नो इफ आई डिड नॉट थिंक दैट यू कैन परफॉर्म यू वुड नॉट बी हियर। तो जस्ट रिलैक्स, यू आर डूइंग ग्रेट, यू नो, यू आर डूइंग फाइन। एंड मैं फिर भी, मेरा बहुत होता था सर के पीछे, एंड देयर वाज अ टाइम इवन ड्यूरिंग शूटिंग फॉर टॉम डिक that he took me into the editing room while they were doing online editing of the film, and he showed me, he said dekhiye, and I was just like, I was like, oh my god, main to heroine lag rahi hu isme, you know. So just that way of pushing your actor and giving them the confidence, it was such a amazing experience that maine bhi koi bhi script ho, jo bhi character hai sir, aap jo bhi de rahe ho aap mujhe, main I shut my eyes and I accepted it. At that point of time the cast kept on changing. You know, the girls kept on, there were certain girls that were locked for it. Then because of dates and all of that, wo change ho gaye. Toh kaafi time star cast badalti rahe. Lekin main pehle se lekar end tak baithi rahi thi is picture mein. In fact, Tipsy, I personally always say has been one of the biggest commitments that I've given any to anything in my life. You know, bahut arso se. And मेरे को जब इनिशियली जब सर ने मेरे को एक जो रोल दिया था वो एक वो पोनी का था इन द फिल्म, एंड एज टाइम वेंट बाय ही सेड टू मी, ही सेड नहीं यू विल नॉट डू पोनी, यू आर गोइंग टू आइरिस। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जवाब उनको यही था कि सर आप ठीक है, अगर आइरिस करना है तो आइरिस कर लूँगी, पोनी करना है तो पोनी करूँगी। Personally for me, I think that is what an actor is, someone who's versatile and who will accept and to get into any character. But jab mujhe script mili and then I read Iris, my happiness was above and beyond, because as an actor jab I saw this character and uska jo lens tha, nuances the, where she's going and you know how she's progressing throughout the film, I absolutely enjoyed it. फिर जो उनका conception था इस character के लिए, you know, tattoos and you know जो उन्होंने personally selected and designed, and I guess there is a bit relatability also in you and Iris. Yeah, similarity say, 50-60%. Of course I am also quite the tomboyish, quite I am quite loud. I make no qualms about it, lekin ha, she straightforward exactly, yeah. Speaks her mind, which causes me a lot of trouble. And in the film I think it causes Iris also a little bit of trouble. But that, you know, that dahad ke apni life jeena, to do something like that on camera was very exciting. Bahut sare scenes the, you know, in the film. Agar aapne, if you've seen the trailer, uspe you see, you know, like you see her coming in the
bikini. I have not walked in a bikini like that in a film before. And personally, I mean, whereas my character comes in also, she's very like that tough and you know, ye kya hai, wo kya hai. As you see the film also, you'll see her, you know, layers, the way it comes and it goes. So it was very challenging also at certain points because certain places, personally, Nazia, the loud and bold and confident Nazia, wouldn't do things that Iris, bold and confident Iris was doing. तो वो 30% का जो गैप था वो सर ने काफ़ी मदद की एंड फ्रॉम डे वन ऑफ सिटिंग इन स्क्रिप्ट रीडिंग एंड वर्कशॉप जो हमारे से सर करवाते हैं बिफोर शूटिंग बाय द लास्ट डे ऑफ इट आई फेल्ट लाइक यू नो आई हैड रीविजिटेड एक्टिंग एंड आई अगेन स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू स्क्रैच तो वो जर्नी भी बड़ी मज़ेदार रही इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक actors are looking for such things you know characters that change you I mean who wants to be themselves and you can be someone else yeah. so yeah it's so been quite amazing we have only seen the bit of the best a bit of it so abhi jo ye choti si abhi jhaanki humne dekhi hai abhi jab tickets jo hai aur nazdeek aayenge jab cinema ghar mein aane ke time pe jab movie jo hai release hogi what are your expectations from Tipsy how what is going in your mind are you nervous or are you excited or are you confident I'm that's a very good question I'm obviously very excited you know I mean your film is releasing in a silver screen so you can imagine wo kitni badi baat ho jati hai you know so for me of course I'm feeling very grateful ki you know I've got this opportunity bahut sare there are a lot of actors that are always looking for their release and you know is zamane mein on a stage where OTT is ruling things kabhi kahin na kahin a lot of projects take a longer time to come to the screens so I am extremely excited for the film to come of course there is a bit of anxiousness I won't say nervousness ab wo waqt chala gaya hai nervous hone ka ab it's like ab jitna karna tha jo karna tha apni shiddat se aur mehnat se kar liya hai अब वो तो ऑडियंसेस ही डिसाइड करेंगे अगर उनको हमारा कंटेंट पसंद आया कि नहीं पसंद आया एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर डिसीजन टू मेक ऑफ कोर्स मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हम आप हम पिक्चर देखें आई फील जितना जो हमने एक्सपीरियंस किया है पिक्चर बनाने के लिए इट्स बिन अ वेरी फन राइड बहुत ही यू नो टफ सिचुएशन में ये पिक्चर बनी है लेकिन जो राइड हुआ है It's been very enjoyable. मेरे काफ़ी खास दोस्त बने तो इट्स बिकम वेरी स्पेशल दिस फिल्म आई फील कि जो कैरेक्टर्स हैं इस पिक्चर में जो सारे लीड्स हैं मी एंड माई लीडिंग लेडीज उनके भी कैरेक्टर्स हैं वेरी इंडिविजुअल्स सो आई फील दे कैन बी वेरी रिलेटेबल टू द मासेस अगर आपको आयरस पसंद नहीं है तो आपको पोनी पसंद आएगी अगर पोनी पसंद नहीं है तो यामी तो पसंद आ जाएगी तो आई फील दैट वी हैव दैट वेरिएशन Yeah, not just guys, even women, you know. Yeah, as a woman also. You know, these days there are a lot of women-centric films that are being made. So, I feel that also for women, there'll be a certain girl that identifies with my characters. That, haan, main ye hoon. I am like this. Main seedha haadungi. Ek hogi ghari aadmi jo Yami ki tarah hai. Jo apne ghar pe bhaiso ke baare mein soch rahi hai. Kuch bhi, you know, ek pony ki tarah hai jo हर चीज में अरे मेरी शादी हो रही मेरी शादी यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू यू विल सी यू सीन फ्रॉम द ट्रेलर एंड यू विल सी इन द फिल्म तो फॉर आई थिंक रिलेटिविटी इज कोशेंट बहुत है इस पिक्चर में ऑल्सो इट्स अ हू डन इट इट्स अ थ्रिलर फिल्म लेकिन जिस तरीके से जो हमारा सीन्स लिखा गया है हमारे डायलॉग्स लिखा गया है वाइल वी वर डूइंग वर्कशॉप्स वी यूज टू सिट एंड क्रैक अप हम बहुत हंसते थे कोई कोई हमारे जो डायलॉग्स जो हमारे लिए लिखे गए थे तो वी रियली एंजॉयड ऑल्सो प्लेइंग आर कैरेक्टर्स सो आई फील दैट यू नो आई मीन दिस फिल्म डज हैव अ रियली गुड चांस आई रियली थिंक दैट इट्स एन आउट एंड आउट एंटरटेनर एंड बाकी तो दर्शकों के हाथ में है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साइड से क्या रिएक्शन था ओह दे आर सो एक्साइटेड दे आर मोर एक्साइटेड देन मी माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली लाइक मुझे ऑनेस्टली अपनी पर्सनल लाइफ में मैं थोड़ा आई थिंक आई एम नॉट वेरी स्केर्ड इन बीइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल और द ऑडियंसेस डिड यू गेट एनी फीडबैक फ्रॉम संजय सर नो आई नेवर गेट एनी फीडबैक फ्रॉम हिम एंड आई डोंट एक्चुअली आस्क फॉर इट आई फील लाइक इफ आई गेट एनी फीडबैक आई माइट गेट इवन मोर नर्वस यू नो तो आई डोंट आई नेवर आस्क फॉर फीडबैक आई
जब पिक्चर निकलती है तो उसका जो रिव्यू आता है और यू नो व्हेन पीपल आर लीविंग फ्रॉम सिनेमाज अ लॉट ऑफ पीपल गिव रिव्यूज ऑफ व्हाट दे फेल्ट अबाउट द फिल्म ऑन यूट्यूब आई गो देयर फॉर माय ओपिनियंस एंड व्हाट दे आर सेइंग बट ऑल एंड नॉट एवरीबडी माई फैमिली इज वेरी एक्साइटेड माई फ्रेंड्स आर तो सुपर एक्साइटेड दो आई विश आई कुड आई वॉज नॉट एबल टू टेक दैम यू नो टू दिस वो एक अलग हो जाता है ना जैसे लाइक नाजिया माई फ्रेंड जैसे लाइक नाजिया अब तो हीरोइन बन रही है यू नो देर टू डिफरेंट कट्स तो या बट ऑल इन ऑल बाई द एंड ऑफ द डे पिक्चर निकल रही है तो बहुत ही खुश हूँ एंड आई रियली थैंक गॉड दैट दिस डे इज अराइविंग एज द समर्स आर ऑन आई हैव अ थिंग आई डोंट नो हाउ विल इट गेट पिच्ड अप टू यू बट देयर वाज अ सेइंग समवेयर लाइक कि गर्मी ऐसे नहीं बढ़ रही है टिप्सी के ट्रेलर में नाजिया का कैरेक्टर देख लिया है आई गॉट अ लॉट ऑफ दोस व्यूज जब मेरे भी इंस्टाग्राम पे जब आई पुट अप अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड सेइंग अब तो तापमान भरने वाला है अब तो फटेगा एंड नाउ तो इट्स हीट इट्स फायर सो या आई सो फार ट्रेलर देखकर आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम यू नो माय फॉलोअर्स एंड माय फैंस ऑन सोशल मीडिया लॉट ऑफ मैसेजेस आए हैं कि यू नो यू आर लुकिंग फैंटास्टिक एंड विच आई विल टेल यू नाउ ऑल्सो दैट यू नो व्हेन आई स्टार्टेड दिस फिल्म व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग दिस फिल्म आई वॉज नॉट इन माई फिजिकल बेस्ट इन अ वे दैट आई वॉज नॉट से फॉर एग्जाम्पल माई दिमाग में जो ऐसा लगता है ना ये मेरा वेट ऐसा होना चाहिए मेरा फ्रेम ऐसा होना चाहिए पिक्चर के लिए वो कॉन्शियसनेस हमेशा रहता है तो वेन द फिल्म स्टार्टेड एंड इट स्टार्टेड वेरी अब्रप्टली हम प्रिपेयर नहीं थे तो और आई वॉज जस्ट लाइक यार आई एम नॉट एट माई गोल वेट मैंने तो खा पी के थोड़ा वेट चढ़ा लिया है अब हम जा रहे हैं ऊपर से 5 और हीरोइन हैं पिक्चरों में एंड दे आर गॉर्जियस यू नो दे